पहाड़, नदी, झरना और जंगलों से भरा ये घाटशिला झारखंड के बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। चलिए दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं झारखंड के घाटशिला में। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम आपको दिखाए थे टाटा नगर जमशेदपुर टूर गाइड वीडियो। आज हम लोग टाटा नगर से हम लोग जा रहे हैं घाटशिला। घाटशिला टूरिस्ट स्पॉट देखेंगे, उसके बाद आप जहां तहां जा सकते हैं। अभी हम लोग टाटा नगर स्टेशन पे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं घाटशिला पे। घाटशिला 45 रुपया भाड़ा लिया दोस्तों। जबकि हम टाटा नगर से जा रहे हैं घाटशिला तक, इसीलिए इसका समय लगेगा करीब आधा घंटा। आधा घंटा में हम पहुंच जाएंगे घाटशिला में। घाटशिला जमशेदपुर के पास स्थित एक छोटा सा शहर है, जो कि अपने यूरेनियम, तांबा और अन्य खनिज पदार्थों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्हीं के पास भारतीय यूरेनियम निगम का एक कारखाना स्थित भी है, जो कि ये देश भर में यूरेनियम की ज़रूरत पूरी करती है। लीजिए दोस्तों, अभी हम बातों में आ गए हैं घाटशिला स्टेशन तक। घाटशिला स्टेशन में उतर के ही आपको बाहर में मिलेंगे ऑटो, टैक्सी, टेम्पू, रिजर्व। यहां से आप एक कम प्राइस का टेम्पू बुक कर लीजिए दिन भर के लिए साइट सीन घूमने के लिए। साइट सीन घूमने का आपको ऑटो रिजर्व पड़ेगा करीब 1500 रुपया से ले कर 2000 रुपया तक। आपको दिन भर ये ऑटो घुमा देगा यहाँ के जितने सारे साइट सीन हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आ गए हैं ये सूर्य मंदिर। मंदिर का डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि 7 घोड़ा लेके विशाल एक रथ को खींच रहा है सूर्य भगवान। बिल्कुल उसी तरह डिज़ाइन किया गया है इस मंदिर का। ये देखिए, सूर्य मंदिर के पास ही में बह रही है ये सुवर्णरेखा नदी। सुवर्णरेखा नदी का एक इतिहास है, हम लोग बचपन में किताब में पढ़े थे। सुवर्णरेखा नदी से पहले ज़माने में बहुत सारे सोना निकलता था, यही है वही सुवर्णरेखा नदी। और आप लोग चाहे तो नाव से उस पार भी जा सकते हैं घूमने के लिए। और ये देखिए, मैं सूर्य मंदिर फर्स्ट टाइम आया हूँ। ये घाटशिला का पहला सूर्य मंदिर है, बहुत जागृत मंदिर है ये दोस्तों। आप लोग आके यहाँ देख सकते हैं सूर्य मंदिर। और रास्ते में चलते चलते आप देख लीजिएगा रामकृष्ण मठ और दुर्गा मंदिर। यहाँ का बहुत खास है दुर्गा मंदिर, ये रास्ते में हम लोग चलते चलते ही देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी तादाद पर बंगाली लोग हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के पास ही में है जस्ट झारखंड, इसीलिए। और अभी हम आ गए हैं घाटशिला में ये गौरी कुंज पे। ये गौरी कुंज घाटशिला में बंगाली लोगों के लिए बहुत ही फेमस है, क्योंकि ये जो जगह है ये कवि और साहित्यिक विभूति भूषण बंदोपाध्याय का ये अपना घर है। ये अपना घर में छोटा सा म्यूजियम बना के रखा है, उनका कपड़ा, उनका इस्तेमाल करने का सामान और जितने सारे किताबें लिखे हैं वो सारे यहाँ मौजूद हैं। ये उनका घर है घाटशिला में। चलिए अंदर भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। अभी हम लोग सुवर्णरेखा नदी के पास जा रहे हैं। सुवर्णरेखा नदी चारों ओर पहाड़ है। और रास्ते में ही हम लोग देख लेते हैं ये कॉपर फैक्ट्री। देखिए कितने सारे कोयले का खदान है यहाँ पर। देखिए ऊपर से मैंने फोटो लिया, देखिए कोयले का पहाड़ लग रहा है यहाँ पे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी बारिश का मौसम है इसलिए थोड़ा फोटो साफ नहीं आ रहा है दोस्तों, तभी भी आप लोग देख लीजिए। दोस्तों ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट ही है। देखिए सुवर्णरेखा नदी के ऊपर ये एक टूटी फूटी ब्रिज है। देखिए ब्रिज पूरा सा टूट गया है। और ये देखिए दूर पे जो ब्रिज देख रहे हैं, उसी ब्रिज से हम लोग घूम के आए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं मछली पकड़ने का जाल, ये जो बांस से बनाया हुआ नदी के बीच में दिखाई दे रहा है, ये मछली पकड़ने का जाल। यहाँ मछली फंसाता है इसी जाल के अंदर, देखिए बांस से बनाया हुआ है। और ऊपर आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं। और ये देखिए दूर पे हम देख रहे हैं छोटा सा झरना, वहीं हम लोग जाएंगे। चलिए देखते हैं। वाह, बहुत मज़ा आ रहा है। झाड़ियों के बीच से हम लोग को जाना पड़ रहा है
और वाह वाह यारे वापरे, यहाँ तो बहुत सारे टूरिस्ट लोग हैं, फोटो खींच रहे हैं, कोई कोई रील्स भी बना रहा है, वाह। तो मैं आपको फिर बताता हूँ, यहाँ आके आप लोग फोटोशूट करते हैं, रील्स बना सकते हैं। घाटशिला में बहुत अच्छा झरना है यहाँ पर, अगर साथ में गमछा लाते तो हम भी यहाँ नहा लेते, गमछा लाए नहीं नहाएंगे कैसे। अभी हम लोग और एक टूरिस्ट स्पॉट जा रहे हैं, थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, मतलब थोड़ा सा टीला जैसा है, जगह का नाम है फुलडुंगरी टीला। ऊपर में बहुत चढ़ाई है और देखिए पहाड़ में जैसे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, रास्ते होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, एकदम शांत वातावरण, बिल्कुल शांत। और चुपके चुपके चलिए हमारे साथ, जंगल के झाड़ियों के बीच में से रास्ता निकला है, बिल्कुल शांत वातावरण है, थोड़ा सा ठंडी भी लग रही है, थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ना पड़ा इसीलिए थोड़ा कष्ट तो होगा ही ऊपर चढ़ने में। चारों ओर वातावरण पूरा शांत है, लग रहा है हम किसी पहाड़ में हैं। शूटिंग करने के लिए यह सबसे बेहतर जगह है। देखिए दोस्तों, यह है फुलडुंगरी टीला बोलते हैं यहाँ पे। देखिए ऊंचा ऊंचा पेड़ है, लग रहा है क्या हम दार्जिलिंग में आ गए हैं, बहुत अच्छा जगह है ये, इतना सुंदर है मिट्टी का घर देखिए, और डिश टीवी भी लगा हुआ है, बहुत सुंदर दिखता है, बिल्कुल पहाड़ी जैसा है जगह। गालुडी डैम, दोस्तों ये गालुडी डैम है, ये आपका घाटशिला में पड़ता है गालुडी डैम। और ये देखिए नीचे पानी पानी छोड़ा हुआ है, देखिए कितना पानी है, और ये देखिए यहाँ साफ पानी है, और यहाँ आप देखिए कितना पानी में, देखिए पानी कितना गंदा है, सारा कचौड़ी पाना जो है यहाँ पर लगा हुआ है, क्यों अंग्रेज लोग लाया ये सब चीज और पूरा इंडिया गंदा कर दिया। ये गालुडी डैम है, देखिए गालुडी डैम में अभी हम लोग हैं, ये देखिए यहाँ चारों ओर पहाड़ है और बीच में डैम है, गालुडी डैम। अभी हम लोग जो जगह जा रहे हैं वो जगह का नाम है बुरुंडी। बुरुंडी अंतिम हमारा स्पॉट है दोस्तों, ये जगह जाने में करीब 15 किलोमीटर दूरी पड़ता है, तो ये रास्ता भी बहुत ख़राब है, यहाँ का रास्ता कच्ची सड़क है और देखिए चारों ओर खेत खलियान है, इसके बीच से ऑटो लेके जाना पड़ता है। लीजिए दोस्तों अंतिम स्पॉट बुरुंडी, हम लोग आ ही गए हैं, आने में थोड़ा सा मेहनत हुआ ठीक ही, हाँ दिन भर हम लोग घूम रहे हैं, अभी थोड़ा सा देह हाथ दर्द भी कर रहा है, लेकिन यहाँ आने में पूरा दिल सुकून हो गया, देखिए कितनी हरियाली है, और देखिए दोस्तों चारों ओर पहाड़ है और बीच में झील, ऐसा लग रहा है हम कहीं नैनीताल में या ऊटी में है, इतनी अच्छी जगह इतनी कम खर्च में हम लोग घूम रहे हैं ये कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पर आप लोग आइए घूमिए, पिकनिक कीजिए, फ़ोटो कीजिए, विश्राम कीजिए और ढेर सारे रील्स बनाइए, कोई टेंशन नहीं, देखिए कितना अच्छा जगह है, हम भी रील्स थोड़ा बना लेते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये जगह थोड़ा सा घाटशिला से आगे है, अगर आपको आना है यहाँ पर ऑटो वाले से कौन कौन स्पॉट दिखाएगा, कौन कौन जगह दिखाएगा, आप पहले लिस्ट कर लीजिए, उनको पिक्चर दिखाइए, उसके बाद आप आइए, नहीं तो ऑटो वालों से खिचिर पिचिर हो सकता है, वो लोग बोल सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ, बोला कि साइड सीन घुमाएंगे, लेकिन साइड सीन में ये बोला नहीं, बोला यह जगह आने में आपको फिर आपको 200-300 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा,
तो मैंने ऐसे बोला, बोले ठीक है 200 रुपया ज़्यादा देंगे, आप हमको ये जगह घुमा दीजिए, देखिए कितना अच्छा जगह है। यहाँ पे भोजन करने का ढाबा भी बहुत है, आप चाहे तो यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अभी तो सीज़न है नहीं, इसीलिए थोड़ा सा लोग कम है, अभी बारिश का सीज़न है इसीलिए सीज़न नहीं है। अक्टूबर नवंबर में यहाँ मेला लगता है, इतना ज़्यादा भीड़ रहता है। तो दोस्तों आपको घाटशिला टूर गाइड वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके लिख के ज़रूर बताइए, और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। हमारे अगले वीडियो में और एक नए स्पॉट और एक नए राज्य और एक नए देश हम दिखाएंगे, इसीलिए मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखिए दोस्तों, ताकि आपको सबसे पहले मिले हमारे इस वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।